देखिए बच्चों, हिस्ट्री में जो हमारा पीरियड चल रहा है सिक्स तथा नए चल रहा है सिक्किस में ब्रिटिश। तो जो पहले पीरियड में हमने पढ़ा था उसके बाद रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिख धर्म है उसमें कितने गुरु हैं, टोटल 10 गुरु हैं। तो जो पहले गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु नानक जी। इनका समय सीमा लिखवाई थी मैंने, वो याद है 1469 से 1539, 1469 से 1539 तक लगभग 70 साल की आयु ये जीवित रहे थे। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद जी। तीसरे गुरु? गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु? गुरु रामदास जी। पांचवे? गुरु अर्जुन जी। छठे? गुरु हरगोविंद जी। सातवें? गुरु हर राय। आठवें? गुरु हर किशन। नौवे? गुरु तेग बहादुर। दसवें? गुरु गोविंद जी। ठीक, तो जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी उनके बारे में बताया था, उनकी समय सीमा भी आपने बताई कब से कब तक, 1469 से लेके 1539 तक लगभग 70 साल के ये तक वो जीवित रहे और सिख धर्म की स्थापना की उन्होंने। उसके बाद जो दूसरे गुरु आए थे कौन? गुरु अंगद जी। तो जैसे 1539 में इनकी डेथ होती है तो 1539 से कब तक? 1539 से 1552 तक गुरु अंगद जी रहे, ये भी मैं लिखवा चुका हूँ। अब उससे आगे लिखे तीसरे गुरु कौन से? अमरदास जी। गुरु अमरदास जी इसमें लिखिएगा 1552 से 1574, 1552 से 1574, 1552 से 1574। अभी जो हम बात कर रहे थे जो पहले थे गुरु नानक जी थे, तो उनकी समय सीमा आपने क्या बताया दोबारा? 1469 से 1539। फिर दूसरे गुरु कौन से थे? गुरु अंगद जी थे। इनकी समय सीमा क्या बताई थी? और जो तीसरे हैं वे हैं गुरु अमरदास, उनकी हमने ये लिखी। इन तीनों कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको क्या? सेम है तीनों ही। अंतर यह है गुरु नानक जी का पूरा समय ले रखा हमने, पूरे 70 साल, जब उनका जन्म हुआ और जब इनकी मृत्यु हुई। लेकिन वो कार्यकाल सिर्फ ये है जब ये गुरु रहे, ये भी कार्यकाल वही है जो सिर्फ गुरु रहे, और ये भी वही कार्यकाल है जो सिर्फ गुरु रहे, ये अंतर है। ठीक है, अब इसमें गुरु अमरदास जी आपने लिख लिया, लिखिएगा दो ज्यादा है जो इम्पोर्टेंट है। अमरदास जी ने कई कार्य ऐसे किए, अमरदास जी डिड मैनी वर्क्स, कई कार्य ऐसे किए जो हिंदुओं से अलग थे, विच वर सेपरेट फ्रॉम हिंदूज, जो हिंदुओं से अलग थे। इन्होंने लवण शुरू किया, ही स्टार्टेड लवण, इन्होंने लवण शुरू किया, ही स्टार्टेड लवण। जो एक विवाह था, जो एक विवाह है, विच इज ए टाइप ऑफ मैरिज, जो एक विवाह है, विच इज ए टाइप ऑफ मैरिज, इनका जन्म 1479 में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन 1479, इनका जन्म 1479 में हुआ, इन 1479 अमृतसर में, इन अमृतसर। बासर के गांव में, बासर के गांव का नाम है ऐसे लिखना है, बासर के गांव में, इन विलेज बासर के। इनके पिता का नाम तेजभान था,
His father's name is Tejwan. इनके पिता का नाम तेजभान था तथा माता का नाम एंड मदर्स नेम लक्ष्मी जी था वाज लक्ष्मी जी. लक्ष्मी जी था वाज लक्ष्मी जी. अमरदास जी गुरु नानक जी से प्रभावित थे. अमरदास जी वाज सो मच अफेक्टेड फ्रॉम गुरु नानक जी. अमरदास जी गुरु नानक जी से प्रभावित थे जिसकी वजह से ड्यू टू दिस ये गुरु अंगद जी के पास गए. ही वेंट टू गुरु अंगद जी. ये गुरु अंगद जी के पास गए. तथा 61 वर्ष की आयु में एंड इन द एज ऑफ 61 इयर्स 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद जी को अपना गुरु मान लिया. गुरु अंगद जी वाज टेकन एज हिज गुरु. गुरु अंगद जी को अपना गुरु मान लिया. जो 25 साल छोटे थे who was younger than 25 years. जो 25 साल छोटे थे इन्होंने 11 वर्षों तक गुरु सेवा की. ही स्टार्टेड गुरु सेवा फॉर 11 इयर्स. इन्होंने 11 वर्षों तक गुरु सेवा की. तथा इसके बाद एंड आफ्टर दिस तीसरे गुरु बन गए. बिकेम थर्ड गुरु. ग्यारह वर्षों तक सेवा की और इसके बाद तीसरे गुरु बन गए. इन्होंने समाज की बुराइयों का विरोध किया. ही अपोज्ड मैनी सोशल इविल्स. इन्होंने समाज की बुराइयों का विरोध किया. ही अपोज्ड सोशल इविल्स जैसे कन्या हत्या एज फोर्टिसाइड FOETICIDE तथा सती प्रथा सती कस्टम तथा सती प्रथा. इनकी रचना वारसुही है. इज वारसुही. इनकी रचना वारसुही है. पहले यहां से देखेगा एक बार. तो दोबारा देखो बच्चों गुरु नानक जी का जो कार्यकाल था कब से कब तक दिखाया 1469 से 1539 तक. क्योंकि पहले गुरु हैं इसलिए सारा लिखवाया गया. ठीक. फिर दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद जी 1539 से लेकर 1552 तक. फिर तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी और 1552 से 1574 तक आ गए. ठीक. अब इनके बारे में जो कुछ अलग अलग बात हुई तो ये कि इन्होंने हिंदुओं से अलग कई तरह के काम इन्होंने किए ताकि हिंदुओं से हमारी अलग पहचान बन सके. इसमें जो सबसे मुख्य है वो है लवण. तो जो विवाह संस्कार होता है उसी में कुछ विवाह फेरबदल किए गए थे. जैसे हिंदू धर्म में जो है 7 फेरे लिए जाते हैं
वो आगे बताया भी जाएगा। तो उन्होंने एक पद्धति चलाई थी चार फेरों वाली, तो उस तरह के विवाह संस्कार को क्या बोला गया था, लवण बोला गया था। ठीक, उसके बाद उनका जन्म कब हुआ, 1479 में हुआ, 1479 में, और अमृतसर में हुआ, और यह गांव का नाम बासर के। ठीक, उसके बाद के पिता का नाम क्या है, तेज भान है, माता का नाम है लक्ष्मी जी। किसकी बात हो रही है, गुरु अमरदास जी की बात हो रही है, तीसरे गुरु है सिख धर्म में। अब इनका जो संपर्क है किस तरह से अंग्रेज जी से होता है, ये थोड़ा सा लिखवा रहे हैं आपको, बड़ी बड़ी स्टोरी होती हैं जिनमें से बहुत छोटा अगर लिखवाया जा रहा है। तो जैसे इनकी आयु काफ़ी थी, इनकी आयु काफ़ी थी, तो अब ये गुरु नानक जी से प्रभावित होते हैं। हालांकि गुरु नानक जी अब कहीं ना कहीं अपनी शिक्षाओं के द्वारा काफ़ी प्रचलित हो चुके हैं, तो उनसे प्रभावित होते हैं। जब ये प्रभावित होते हैं तो दूसरे गुरु कौन है, अंगद जी, ये उनसे प्रभावित होकर इनके पास जाते हैं, गुरु अंगद जी के पास, और इन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। जबकि वास्तव में गुरु जी जो थे वो 25 साल छोटे थे, जो गुरु अंगद जी की आयु थी उस समय 25 साल छोटे थे, किनसे, गुरु अमरदास जी। तो शायद मैंने ये भी लिखवाया लगभग 61 साल की आयु में लिखवाया, 61 साल की आयु में गुरु अमरदास जी गुरु अंगद जी को अपना गुरु मान लेते हैं, जबकि गुरु की आयु 25 साल कम है, शिष्य बड़ा है, और वहाँ फिर 11 साल तक गुरु सेवा करते हैं, उनके जो मार्ग बताते हैं उनके रास्ते पर चलकर उनकी सेवा करते हैं, और तब ये फिर बने हैं तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। ठीक, और इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें एक इनकी रचना है तो नाम क्या है, वारसुई, जैसे समझिए कंपोजिशन। ठीक, और ये भी एक मान्यता है कि अकबर इनके पास आया था, तो उसे भी लंगर में बैठ के ही खाना खाना पड़ा था, मतलब ये नहीं कहा गया कि तू इतना बड़ा सम्राट है तो अलग से व्यवस्था होगी, जैसे सब लोग बैठे हैं ऐसे तुझे ही बैठना है, और संगत और पंगत में उसने भाग लिया था। ये घटना भी इन्हीं के समय देखने को मिलती है गुरु अमरदास जी के समय। चलिए आगे लिखते हैं, उसके बाद लिखे ना चौथे गुरु रामदास जी। चौथे गुरु रामदास जी लिखेगा 1574 से 1581, 1574 से 1581 लिखेगा। इन्होंने एक पवित्र शहर की स्थापना की, ही एस्टैब्लिश्ड ए होली सिटी। इन्होंने एक पवित्र शहर की स्थापना की, ही एस्टैब्लिश्ड ए होली सिटी तथा इसका नाम एंड इट्स नेम रामसर था, वाज रामसर, ऐसा नाम रामसर था। वर्तमान में एट प्रेजेंट इसका नाम अमृतसर है, इट्स नेम इज अमृतसर। वर्तमान में इसका नाम अमृतसर। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, He was born in Lahore. इनका जन्म लाहौर में हुआ था, He was born in Lahore. तथा इनकी पत्नी का नाम and the name of his wife, and इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी जी था, वाज बीबी भानी जी, बीबी भानी जी था। जो गुरु अमरदास जी की पुत्री थी, हु वाज द डॉटर ऑफ गुरु अमरदास जी, जो गुरु अमरदास जी की पुत्री थी।
यह रामसर शहर, दिस रामसर सिटी प्रमुख व्यापारी केंद्र था, वाज ए फेमस ट्रेड सेंटर, प्रमुख व्यापारी केंद्र था, बस ये दो चार बात है जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखिएगा। तो चौथे गुरु है बच्चों क्या, रामदास जी, दोबारा फिर संग देखो, बार बार इसलिए ताकि याद हो जाए। नानक जी कब तक थे, 1469 से 1539। तो दूसरे गुरु कौन है, अंगद जी, 1539 से 1552 तक। फिर तीसरे कौन है, अमरदास, तो 1552 से 1574 तक। और चौथे गुरु अब है रामदास, 1574 से, ये तो बहुत ही कम समय के लिए रहे, जैसे आप देख रहे हो 6-7 साल के लिए रहे गुरु जो रहे, 1574 से 1581। तो जो मेन बात है वो ये है कि रामदास जी ने सबसे पहले इस शहर की स्थापना की थी, तो अपने नाम के ऊपरी क्या नाम रखा था, राम सर, जो वर्तमान में क्या है, तो अमृतसर का पहला नाम था वो राम सर। ये क्वेश्चन तो यहाँ से याद आ गया, अमृतसर किसने बसाया था, तो आंसर क्या हो गया, रामदास जी, ठीक है। इनका पहला नाम क्या था, राम सर। इनका जो जन्म हुआ था लाहौर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, ठीक। उसके बाद इनके माता पिता का नाम नहीं लिखवाया गया, सिर्फ बीबी यानी कि पत्नी का नाम लिखवाया गया, बीबी भानी जी। और ये बीबी भानी जी जो थी, जो इनसे पहले गुरु थे, कौन, अमरदास जी, उन्हीं की बेटी थी, ठीक। तो यहाँ तक ये हुआ। उसके बाद अभी मैं थोड़े पहले कह रहा था कि जो अमरदास जी हैं, उन्होंने हिंदुओं से रहने के कई कार्य किए। यहाँ वही बात ध्यान से सुनना भी है, मैंने भी कहा कि जैसे हिंदुओं के विवाह जो सेरेमनी होती है ना, 7 फेरे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग किया गया था कि 4 फेरों के द्वारा विवाह संपन्न कराया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि 4 विवाह किसने कराए थे, तो दिमाग ये कहता है कि जो अलवने के कार्य किए थे किसने किए थे, अमरदास जी ने। तो उन्होंने कार्य तो कई किए, लवण नाम का जो पद्धति चलाई थी, विवाह संस्कार चलाया था, वो भी उन्होंने चलाया, लेकिन जो 4 फेरों का सिस्टम है वो इन्होंने शुरू किया था, रामदास जी। इसमें है कन्फ्यूज मत हो जाना, मैं लिख भी देता हूँ ना, जो 4 फेरे का प्रथा चलाई थी विवाह में, वो चलाई थी किसने, रामदास जी। जबकि एक अलग से विवाह प्रणाली जो चलाई थी लवण, वो चलाई थी अमरदास जी। उसके बाद लिखिएगा 5वें गुरु। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जो भी 2-3 दिन बात है बस वो लिखनी है। 5वें गुरु, 5वें गुरु कौन जाएंगे, अब गुरु अर्जुन देव जी या अर्जुन जी। और अभी हम रुके थे, कहाँ रुके थे, 1581। यह है 1581 से 1606, 1581 से लेकर 1606 तक। लिखिएगा, इनका जन्म 1563 में हुआ। ही वॉज बोर्न इन 1563। इनका जन्म 1563 में हुआ। ही वॉज बोर्न इन 1563। इनके पिता गुरु रामदास थे। हिज फादर वॉज गुरु रामदास। तथा माता बीबी भानी जी थी, एंड मदर वाज बीबी भानी जी। बीबी भानी जी थी। उसके बाद लिखिएगा, आध्यात्मिक जगत में, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड अर्जुन जी पहले स्थान पर है। अर्जुन जी इज एट फर्स्ट पोजीशन।
इनका अन्य नाम हिज अदर नेम ब्रह्मज्ञानी है, इस ब्रह्मज्ञानी गुरु ग्रंथ साहिब में, इन गुरु ग्रंथ साहिब सबसे अधिक वाणी, द मोस्ट वाणी, सबसे अधिक वाणी पांचवें गुरु की है, इज ऑफ फिफ्थ गुरु, पांचवें गुरु की है। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन एडिशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब या कंपोजिशन ले सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन के भाई गुरदास ने किया था, वास धन भाई गुरदास, ब्रदर ऑफ गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन के भाई गुरदास ने किया था। ब्रैकेट में 1604 में, इन 1604 1604 में, इन 1604 तथा 1606 में, एंड इन 1606 तथा 1606 में जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी, ही वॉज मर्डर्ड बाई जहांगीर, जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी। क्योंकि बिकॉज इन्होंने शहजादा खुसरो की सहायता की थी, ही हेल्प शहजादा खुसरो, इन्होंने शहजादा खुसरो की सहायता की थी, ही हेल्प शहजादा खुसरो। गुरु अर्जुन के द्वारा बाय गुरु अर्जुन अमरवाणी भी रचित की गई, अमरवाणी वाज ऑल्सो कंपोज, अमरवाणी भी रचित की गई, वाज ऑल्सो कंपोज। था इसका अन्य नाम एंड इट्स अदर नेम सुखमणि साहिब है, इट्स अदर नेम इज सुखमणि साहिब, सुखमणि साहिब है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, एंड ब्रज भाषा इज यूज्ड, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, एंड ब्रज भाषा इज यूज। इसे मिल गया नेक्स्ट लाइन में, आदि ग्रंथ प्रमुख धर्म ग्रंथ है, आदि ग्रंथ इज मेन एपिक, आदि ग्रंथ प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो सेड टू बी गुरु ग्रंथ साहिब, इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं।
इसका संपादन गुरु अर्जुन ने किया था। दिस वाज कंपोज बाई गुरु अर्जुन। बाद में लेटर ऑन गुरु गोविंद जी ने 116 शब्द नए जोड़े, 116 मोर वर्ड्स वर एडेड बाय गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी ने 116 नए शब्द जोड़े, 116 न्यू वर्ड्स ए मोर वर्ड्स वर एडेड बाय गुरु गोविंद जी, और यह पूर्ण हो गया। एंड दिस वाज कंप्लीटेड, और यह पूर्ण हो गया। इसमें कुल पेज 1430 है, टोटल पेजेस आर 1430। इसमें कुल पेज 1430 है, टोटल पेजेस आर 1430। तथा 30 अन्य संतों की वाणी है, एंड देयर इज ए वाणी ऑफ 30 अदर सेंट्स। तथा 30 अन्य संतों की वाणी है। जैसे एज कबीर कोमा रविदास कोमा नामदेव कोमा शेख फरीद आदि एटसेट्रा। नेक्स्ट लाइन में इसकी लिपि इट्स स्क्रिप्ट गुरुमुखी है। लिपि गुरुमुखी है तथा भाषाएं एंड लैंग्वेजेस पंजाबी, डैश लगा के लिख दो, पंजाबी कोमा ब्रज भाषा कोमा खड़ी बोली संस्कृत तथा फारसी एंड पर्शियन। संस्कृत तथा फारसी यहां देखिएगा एक बार। तो पांचवे गुरु है कौन? गुरु अर्जुन जी। समय से मैंने लिखवाया अभी 1581 से 1606 तक। ठीक, अगर मैं मुगल काल में जाता हूं तो इस समय मुगल शासन में कौन था? एम्पीरियल अकबर। अकबर है। बाबर 1526 से 1530 तक था, हुमायूं 1530 से 1556 तक था, और 1556 से 1605 तक कौन था? अकबर। और ये 1606 की बात चल रही है, मोस्टली क्या है? अकबर ही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जहांगीर भी है। पावर में कौन है? अकबर है, लेकिन है ना सभी। तो गुरु अर्जुन, ये मैंने बताया आपको, इनका जन्म हुआ 1563 में, और गुरु रामदास जी और बीबी भानी जी के पुत्र हैं। तो गुरु रामदास जी मैंने बताया पहले, तो जो गुरु अमरदास जी थे वे कौन हुए? इनके नाना। जो गुरु अर्जुन जी के जो नाना है वो हुए नहीं हुए कौन? गुरु अमरदास जी, क्योंकि उन्हीं की पुत्री थी कौन? बीबी भानी जी। और जो चौथे गुरु थे उनके पुत्र हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन्हें जो 10 गुरु हैं, इनमें अगर हम अध्यात्म की बात करें स्पिरिचुअल, तो उन्हें सबसे इस मामले में पहला स्थान मिला है। किन्हें? गुरु अर्जुन जी। इसलिए इन्हें एक अन्य नाम से ही पुकारा जाता है, और वो है ब्रह्म ज्ञान। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब
का जो संपादन हुआ था 1604 में हुआ था। अब यहाँ मैंने एक लाइन लिखवाई है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। मैंने पहले लिखवाया है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है इनका संपादन जो है गुरु अर्जुन जी ने किया, इनके भाई थे कौन, गुरुदास जी, उन्होंने किया है। तो कहीं तो लिखा रहता है कि इन्होंने किया है, कहीं लिखा रहता है कि उनकी सहायता से किया है, लेकिन आपको कहना तो यही पड़ेगा कि किया है इन्होंने, इन्होंने उम्रजय में लिखवाया भी है बाद में जाके, अभी मैं पास करता हूँ। तो जो इनके भाई थे उनकी क्या ली गई, सहायता ली गई, ऐसा अभी समझ लीजिए, ठीक है। और इसका जो संपादन हुआ था वो हुआ था 1604 में, जब इनका अंत होने वाला था उससे लगभग 2 साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब का जो है ना संपादन किया था। फिर इनकी हत्या हो गई 1606 में, और हत्या कर दी किसने, जहांगीर ने, जो किसका बेटा था, अकबर का बेटा था। तो अकबर का कोई अकेला बेटा तो था नहीं, और कौन था, खुसरो। जब लिखवाया है तो उस पर आरोप क्या लगाए गए, एक तो जहांगीर जो था वो जो थोड़ा सा कट्टरवाद में था, कुछ तो इतिहासकार ये कहते हैं कट्टरवाद की वजह से भी इनकी हत्या करवा दी गई। और दूसरा आरोप ये लगवाया गया कि इसने जो है खुसरो की मदद की थी। वहाँ का लिखवाया मैंने शहजादा, लिखवाया लिखवाया शहजादा खुसरो, कि मतलब कहीं ना कहीं खुसरो जो है उसके खिलाफत में था, किसके, जहांगीर की, है ना। तो इन्होंने आरोप लगाया कि जहांगीर ने कि ये जो गुरु हैं अर्जुन जी, इसने किसी सहायता की खुसरो की, और ये क्या है इसकी हत्या करवा दी 1606 में। और 1581 से 1606 तक जो कार्यकाल है वो इनका समाप्त हुआ। कुछ और बातें भी हैं जो मैंने लिखवाई, वाणी, यहाँ मैंने लाइन लिखवाई थी बीच में, गुरु ग्रंथ साहिब में जो सबसे ज़्यादा वाणी प्रयोग में लाई गई है वो किन की लाई गई है, गुरु अर्जुन जी की लाई गई है। देखो नहीं ये तो अलग हुआ, नहीं सबसे ज्यादा जो वाणी है गुरु अर्जुन जी की ही है ना, सबसे ज्यादा वाणी। और इन्होंने एक अमर वाणी की रचना करी जिसका अन्य नाम क्या है, सुखमनी साहिब कहते हैं, ये मोस्टली ब्रज भाषा में लिखी हुई है। उसके बाद आदि ग्रंथ कह लो या गुरु ग्रंथ साहिब कह लो वो एक ही बात है। और यहाँ पे मैंने लिखवाया दोबारा से कि बाद में इसकी जो संपादन है वो किन्होंने किया था, गुरु अर्जुन ने, यहाँ मैंने ऐसे लिखवाया हुआ क्योंकि शुरू में लिखवाया था कि जो इनके भाई थे उन्होंने संपादन किया था, ये दोनों अलग लिखी होती है, मैंने ऐसे लिखवाई है। पर महत्व किसे देना है आपको, गुरु अर्जुन जी को ही महत्व देना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको। फिर बाद में गुरु आए गुरु गोविंद जी, ये कौन से नंबर गुरु थे, 10वें। इन्होंने इस आदि ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब में 116 शब्द और जोड़े अपने पास से, और तब जाके फिर ये पूर्ण माना गया कि ग्रंथ पूरा हो गया। कुल पेज कितने हैं इसमें, 1430 है गुरु ग्रंथ साहिब में। और इसमें क्या ऐसा ही नहीं कि जो ये 10 गुरु हैं इन्हीं की वाणी है, अन्य संत भी हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों चाहे वो हिंदू धर्म के हों, उनकी भी जो वाणियाँ ले रखी हैं, ठीक है। जिसमें मैं कोई नाम भी लिखवाए हैं, कबीर हैं वो, रविदास, नामदेव और जी, और गुरुमुखी जो लिपि है उसमें ये लिखा गया है, क्या आदि ग्रंथ कह लो या गुरु ग्रंथ साहिब कह लो, इस तरह से मैंने आपको बताया। मैंने क्या बोला अभी, खुसरो नहीं नहीं जहांगीर का बेटा, जहांगीर का बेटा, मेरे मुझसे अकबर का बेटा निकला, जहांगीर का बेटा था, और उसने फिर ये बगावत की। आगे लिखिए भाई, कौन से गुरु आएंगे, छठे गुरु, क्या नाम है इनका, गुरु हरगोविंद जी। छठे गुरु सोलह
1606 से 1645 तक। इनकी समय सीमा है, इसमें लिखिएगा दोनों के मुख्य कारण है। इन्होंने सिखों के लिए सैन्य संगठन शुरू किया। इन्होंने सिखों के लिए सैन्य संगठन शुरू किया। तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। एंड फॉर्म अकाल तख्त। अकाल तख्त का निर्माण कराया। एंड फॉर्म अकाल तख्त ब्रैकेट में ईश्वर का सिंहासन, थ्रोन ऑफ गॉड, THRONE, ईश्वर का सिंहासन ब्रैकेट में। इन्होंने दो तलवार बांधनी शुरू की। ही स्टार्टेड हैविंग टू तलवार। इन्होंने दो तलवार बांधनी शुरू की। और दरबार में एंड इन द कोर्ट नगाड़े की व्यवस्था की। स्टार्टेड एन अरेंजमेंट ऑफ नगाड़ा। नगाड़े की व्यवस्था की। स्टार्टेड एन अरेंजमेंट ऑफ नगाड़ा। देख लिया। तो देखिए भाई क्या लिखा है। 1606 से 1645 तक गुरु हरगोविंद जी। दोबारा शुरू जो फिर गुरु नानक जी का बताइए। 1469 से 1539। फिर दूसरे हैं गुरु अंगद जी, बोलो 1539 से 1552। उसके बाद तीसरे गुरु हैं अमरदास जी, 1552 से 1574 तक। चौथे गुरु हैं रामदास जी, बोलो 1574 से 1581। फिर पांचवे गुरु हैं अर्जुन जी, 1581 से 1606। छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी, 1606 से 1645। इन्होंने एक तो सैन्य संगठन बनाना शुरू किया कि एक सेना की जो कमांड है वो होनी चाहिए सिख धर्म में। और फिर जो है दो लंबी लंबी तलवारें बांध के बैठा करते थे। और फिर दरबार में जो है नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने ही शुरू की। बात है गुरु हरगोविंद जी। इसमें दो तीन लाइन और लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन बिना किसी हेडिंग के। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दी। अकबर डोनेटेड 500 बीघा लैंड टू बीवी भानी। 500 बीघा जमीन बीवी भानी को दी। 500 बीघा लैंड टू बीवी भानी। जहां वेयर अमृतसर बसाया गया है। वेयर अमृतसर इज देयर। जहां अमृतसर बसाया गया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो अमृतसर का जो पुराना नाम था वो क्या था, रामसर। और रामसर जो है किसने बताया था, रामदास जी। कौन से गुरु थे वो, चौथे गुरु। तो ये जो भूमि दी गई थी बीवी भानी जी को दी गई थी किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और बीवी भानी जी और जो रामदास जी का क्या कनेक्शन है, उनकी वाइफ थी। ठीक है, तो इस तरह से लाइन लिखाई गई है। नेक्स्ट लाइन लिखेगा बिना किसी हेडिंग के। गुरु अर्जुन ने भाई गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के बीच में
इन द मिड ऑफ अमृतसर जलाशय, जलाशय ऐसे लिखो, अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। हरमंदिर साहिब वाज फाउंड, हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। हरमंदिर साहिब वाज फाउंड। नेक्स्ट लाइन बिना किसी हेडिंग के, गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह वाज सेड टू बी सच्चा पादशाह। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा। तथा सिखों के लिए एंड फॉर सिखिज्म, तथा सिखों के लिए एंड फॉर सिखिज्म पांच वस्तुएं अनिवार्य कर दी। फाइव थिंग्स मेड कंपल्सरी, पांच वस्तुएं अनिवार्य कर दी। केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इन पांचों वस्तुओं को ककार कहा जाता है। अगर आपने पढ़े ककार, ये जो पांचों वस्तुएं किसने शुरू की थी, कौन से गुरुजी ने? गुरु गोविंद जी ने शुरू की थी। और ये कौन से गुरुजी थे? दसवें नंबर। तथा नाम के बाद एंड आफ्टर नेम, तथा नाम के बाद एंड आफ्टर नेम सिंह जोड़ना शुरू किया। सिंह वर्ड वाज एडेड, नाम के बाद सिंह जोड़ना शुरू किया। इनका निवास स्थान हिज रेजिडेंस, इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब था, वाज आनंदपुर साहिब। तथा इनके दो पुत्र थे, एंड देयर वाज टू सन्स, इनके दो पुत्र थे, नंबर एक फतेह सिंह, नंबर टू जोरावर सिंह। नंबर एक फतेह सिंह, नंबर टू जोरावर सिंह। जो मुगलों के द्वारा मरवा दिए गए थे, हु वर किल्ड बाई मुगल्स, जो मुगलों के द्वारा मरवा दिए गए थे, हु वर किल्ड बाई मुगल्स। गुरु गोविंद सिंह जी आदि ग्रंथ को नया रूप दिया, गेव न्यू फॉर्म टू आदि ग्रंथ, और कहा एंड सैड कि अब गुरुवाणी गुरु का कार्य करेगी, दैट नाउ गुरुवाणी विल वर्क एज गुरु, गुरुवाणी अब गुरु का कार्य करेगी।
इनकी हत्या 1708 में कर दी गई। ही वॉज मर्डर्ड इन 1708। इनकी हत्या 1708 में कर दी गई। नेक्स्ट लाइन, नौवे गुरु तेग बहादुर थे, नाइन्थ गुरु वास तेग बहादुर। ये औरंगजेब के द्वारा मरवा दिए गए थे। ही वास किल्ड बाय औरंगजेब। ब्रैकेट में, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के लिए, नॉट टू एक्सेप्टिंग इस्लाम। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के लिए। नेक्स्ट लाइन, अभी जो हम वो चल रहा था हमारा एम पीरियड यहाँ तक हुआ था ना लास्ट 1606 से 1645। अब ये लाइन वो लिख लीजिए, सातवें गुरु सेवंथ गुरु, क्योंकि इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, इसलिए मैंने मेन लाइन लिखवा दी। सातवें गुरु कौन थे? गुरु हर राय जी। और 1645 से लिखिएगा 1661 तक, 1645 से 1661। उसके बाद आठवें गुरु कौन है? गुरु हरकिशन जी, 1661 से 1664, 1661 से 1664। उसके बाद नौवे गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, 1664 से 1675, 1664 से 1675। और दसवें गुरु हैं गुरु गोविंद जी, 1675 से 1708, 1675 से 1708। ठीक है, जो मुगल सम्राट का औरंगजेब था उसकी हत्या कब होती है? 1707 में। और इस तरह से दसवें गुरु है वो समाप्त हुए 1708 में। बिल्कुल लिंक बन रहा है, बिल्कुल जब औरंगजेब मरता है तो उसके आसपास 1708 में दसवें गुरु भी समाप्त हो जाते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे कम कार्यकाल कौन से गुरु का है? आठ के गुरु का, लगभग 2.5-3 साल हुए। और आठवें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन जी। तो ये याद रखना, सबसे कम कार्यकाल और सबसे लंबा कार्यकाल देखा जाए तो पहले ही हमें देख लो, फिर भी एक बार ध्यान से, उनका 70 साल था, इतना लंबा तो किसी का नहीं होगा, उनका ही है। तो गुरु नानक जी का जो है सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, कब से कब तक? 1469 से 1539 तक। और जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है वो है आठवें गुरु का। और आठवें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन जी, 1661 से 1664। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट रह रहा है वो देख लो एक बार। देखिएगा नेक्स्ट लाइन, खालसा पंथ की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, ये संत मैंने पहले याद करा दिया था आपको, बताओ 1699 में। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसका ध्यान रखें, 1699 में हुई।
इन 1699 खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बाय गुरु गोविंद सिंह। आनंदपुर साहिब में इन आनंदपुर साहिब ये सारी मेन मेन इवेंट जो है जोड़ के चलेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि जो गुरु गोविंद जी थे वो कहाँ रहते थे? आनंदपुर साहिब में रहते थे। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो 1699 में की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, आनंदपुर साहिब में की थी। तो संत हम जानते ही हैं, बाकी लाइन भी लिखवा दी गई। खालसा पंथ में इन खालसा पंथ सबसे पहले 5 नाम आते हैं। देयर आर फर्स्ट 5 नेम्स, 5 नाम आते हैं। नंबर 1 दया सिंह, नंबर 2 धर्म सिंह, नंबर 3 हिम्मत सिंह, नंबर 4 मोहकम सिंह, नंबर 5 साहिब सिंह, सबसे पहले 5 नाम आते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट में बताई थी, उसे लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले कहा गया था कि मुझे एक शीस चाहिए, तो उनमें एक ही व्यक्ति सामने आया था, वो कौन था? दया सिंह, है ना। फिर इस तरह से भी बाद में 4 और आए थे, तो इन्हें फिर ये खालसा बना दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने निडर होकर अपने धर्म के लिए आगे आए थे, अपनी जान की परवाह भी नहीं इन्होंने की थी। तो सबसे पहले जो 5 खालसा कहलाए थे वो उनके नाम ये है, उनका ध्यान रखें आप। कौन कौन है? दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह तथा साहिब सिंह। अब उसके बाद फिर मैंने कहा था कि जंत्र मंत्र और तंत्र का प्रयोग करके एक अमृत यानी कि पानी के द्वारा उस व्यक्ति को खालसा बना दिया जाता है जिसमें धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुणों का भंडार हो। तो वहाँ पे एक शब्द पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं पाहुल। क्या बोलते हैं? तो जो जंत्र मंत्र और तंत्र के द्वारा जल तैयार किया जाता है उसे पाहुल बोला जाता है। पाहुल का मतलब कुछ और नहीं होता, अमृत होता है। ठीक है, तो जंत्र मंत्र तंत्र से मतलब यह है कि मतलब कुछ पताशे वगैरह डाले जाते हैं उसमें, कुछ विशेष बर्तन का प्रयोग किया जाता है जिसे जंत्र मंत्र तंत्र कहा जाता है। तो जो खालसा फौज तैयार की जाती है या जो खालसा पंथ में या खालसा बनना चाहता है उस व्यक्ति को अमृत यानी कि पानी दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पाहुल। और तब से फिर वो खालसा पंथ में शामिल हो जाता है। आज जो ये है परंपरा जो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू की थी, जो अंतिम या 10वें गुरु थे सिख धर्म के। तो पहले 5 खालसा छाट लिए और फिर ये परंपरा शुरू हो गई। तो ये थी एक तो काम की बात हमें। अब इसमें थोड़ा सुन लीजिए, लिखना मत। अतः अब जो खालसा बन जाएगा, अब वह तन मन और धन से तैयार है, अब वह सच का प्रसार करेगा और जरूरत पड़ने पर अपना गला कटाने से पीछे नहीं हटेगा धर्म के लिए। तो उसे यहाँ खालसा बोला गया है। ऐसा सिख अमृतधारी भी कहलाता है। तो जिसे खालसा कहा जाता है उसे अमृतधारी भी कह देते हैं। और यह है पाहुल 5 को पिलाया गया और इन्हें 5 प्यारों का खिताब भी मिला। ये जो 5 थे इन्हें 5 प्यारे भी कहा जाता है, 5 प्यारे। तथा खालसा पंथ की स्थापना हो गई 1699, हम जानते ही। डेट है 13 अप्रैल,
डेट लिख लो। तेरह अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हो गई और किन्होंने की थी? गुरु गोविंद जी ने की थी। कहाँ पे की थी? आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब, ठीक है, चलिए बस आज नहीं।